देखिए इधर कि परमेश्वर का मंदिर कौन है, तो इसका आंसर है कि परमेश्वर का मंदिर आप और हम लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला कुरिन्थी अध्याय 6 का 19 में लिखा है क्या कि क्या पढ़िए तो और एक बार पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वचन 19 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें तुम्हें बसा है। बस 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 यहाँ लिखा गया है क्या लिखा कि तुम्हारी देह क्या है पवित्र आत्मा का मंदिर है। पढ़ेंगे फिर हम लोग पहला क्रम थी 3 का पढ़िए देखेंगे यहाँ लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मतलब हम लोग मतलब परमेश्वर ना यानी गॉड यानी ईश्वर किसी गिरजाघर में नहीं रहता है। ईश्वर यानी परमेश्वर किसी मंदिर में बड़ा सा ठंग ठंग करने से वहां नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप और हम लोग हैं। लिखा है वचन में क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है, यानी उसका आत्मा हमारे अंदर में रहता है। और हाँ परमेश्वर किसी चर्च में या तो किसी मंदिर में या तो किसी पत्थर पर या तो किसी पेड़ पर या तो किसी नदी में नहीं रहता है, वो हमारे अंदर में रहता है, हमारे अंदर में वास करता है। हालेलुया। देखते हैं देखेंगे आगे वचन को पढ़ेंगे। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो उसे परमेश्वर नष्ट करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और वह क्या लिखा है तुम हो, यानी तुम यदि परमेश्वर का मंदिर कौन है आप और हम लोग हैं, यानी इंसान लोग हैं। परमेश्वर किसी पत्थर किसी हरा पेड़ किसी लाल पेड़ किसी रंग बिरंगे में नहीं रहता है, परमेश्वर हमारे अंदर में वास करता है। मैंने लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। हो सकता है उन लोगों का खुदा शायद उन लोगों को भूल सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर है। उसने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं त्यागूंगा। सब लोग तुमको भूल जाएंगे, सब समाज तुमको निकाल देंगे, तुम्हारा साथ नहीं देगा, लेकिन मेरा परमेश्वर यीशु मसीह अपने हाथों से हम सभी को हमेशा संभाल कर रखता है। आमीन। तो इसीलिए तो वही परमेश्वर वही जो परमेश्वर का मंदिर हम लोग हैं। कौन लोग हैं? हम लोग हैं। हम लोग देखिए जब हम लोग पढ़े थे वही वचन को वही पहला कुरिन्थी अध्याय 6 का वचन 19 में लिखा हुआ है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो आज हम लोग परमेश्वर के मंदिर आप और हम हैं। यदि हम लोग ऐसा जानते हैं और यदि हम लोग नाश करते हैं हड़िया से दारू से लड़ाई से झगड़ा से नफरत से यदि हम लोग नाश करते हैं तो हाँ तो परमेश्वर भी हम सभी को नाश करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो कभी झूठा नहीं हो सकता है। भले इंसान झूठा झूठा हो सकता है, प्रचारक भी झूठा हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह कभी कभी झूठा नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रभु
जब हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का मंदिर आप और हम लोग हैं, तो हम लोगों का चाल चलन परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। मैंने जब कहा कि यीशु मसीह कि मैं तुम्हारा भाइयों को क्षमा कर और उनके लिए प्रार्थना कर, तो हम सभी को यीशु मसीह ने नफरत करना नहीं सिखाया बल्कि प्रेम करना सिखाया। यदि हम हमारे अंदर में जब परमेश्वर का आत्मा वास करता है और हम लोग उसका मंदिर बन जाते हैं और उसका आत्मा हम लोग का अंदर रहता है और तो भी हमारा मुंह से गंदा वर्ड निकलता है, लड़ाई झगड़ा निकलता है और शराब की बातें निकलता है, तो शैतान का आत्मा ऐसा ही करवाता है, परमेश्वर का आत्मा ऐसा नहीं करवाता है। हालेलुया, इसीलिए अगर आपके मुंह से आपका आपका अंदर से गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, नफरत आ रहा है, तो इसका मतलब आपके जीवन में आपने शैतान को जगह दे दियो। बल्कि शैतान अंदर में नहीं घुसता, लेकिन यहां बोलता है उसका शिकायत कर, इसका बात को वहां बोलो, इसका बात को वहां बोलो, हाँ 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 हाँ, बेचारा मसीह लोग फुर्र से बोल लेता है, जिसके वजह से फूट आता है। हालेलुया, परमेश्वर ने हम सभी से प्रेम किया, यदि हम लोग भी एक दूसरे से यदि हम लोग प्यार नहीं करेंगे तो हम लोग यीशु मसीह के बेटा और बेटी कभी नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, तो हम सभी को नम्रता का जीवन होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं। आपको अगर कुछ भी पसंद नहीं हुआ तो फेस टू फेस बोलो, दीदी आपने ये गलत किया, आपने ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, और अगर नहीं समझ रहे तो उसको छोड़ दो, आप उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, और हम लोग जब तक हम लोग मैंने पैरों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो उसका मन परिवर्तन कैसे होगा जी। हालेलुया, हालेलुया, तो आज का विषय हम थोड़ा हट गए थे, तो विषय था कि परमेश्वर का मंदिर क्या है, तो इसका आंसर क्या है, आप और हम लोग हैं, यानी कहीं नहीं रहता है जंगल में। दीपावली में शायद हम लोग का गांव से कुछ क्रिश्चियन लोग तपस्या करने गए थे, बेचारा वहां से परमेश्वर देख पाएंगे, वहां पहाड़ में रहता है, परमेश्वर को पाने के लिए तपस्या मत करो। हालेलुया, परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि उन्होंने हम लोग को ढूंढ के निकाला है। हालेलुया, लिखा है कि वचन में कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना, तो ये कैसे हो सकते, हमने खोजा खुदा को, समझ नहीं सकता। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर को हम पाने के लिए तपस्या उपस्या नहीं करो, आपको प्रभु के सामने कहीं भी रहो प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके साथ रहता है, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, वो कभी भी मुर्गा मुर्गी सब नहीं मांगता है। हालेलुया, और हम सभी से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। बहुत ध्यान दीजिए, परमेश्वर अबा जब परमेश्वर पिता अपना बेटा को इस दुनिया में भेजा क्यों भेजा, कि सारे मानव जाति का पाप को उठाने के लिए, मिटाने के लिए, जिस वजह से जब वो क्रूस पर था ना, तो परमेश्वर पाप को पसंद बिल्कुल नहीं करता है, जिस वजह से अपना बेटा को भी छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था क्रूस में, क्योंकि उसका बेटे के ऊपर पाप, दुनिया का सारा पाप उसके बेटे के ऊपर था, इसीलिए
जब दूर हुआ तो जब प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का मैंने मंदिर है, पवित्र है, और वो मंदिर आप और हम लोग है, तो हम लोग का जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रार्थना करना होगा, पवित्र आत्मा को बोलना होगा कि प्रभु मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे सिखाइए पवित्रता का जीवन जीवन मैं जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे सहायता कीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए। खुद का दिमाग भी नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग लगाओगे ना कुछ काम का नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए हम लोग परमेश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा हम लोगों के अंदर में रहता है और हमारे साथ रहता है। तो प्रियो, हम लोगों को पवित्र जीवन जीना है और हमें गौर को ढूंढने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारे साथ रहता है कि लिखा है वचन में, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा कहता है। तू कहां को जाओ खोजने, तो तुम्हारे साथ है भाई, उसको खोजना नहीं, उसको पुकारना और प्रार्थना करना कि आपके साथ है। जिस दिन इंसान उससे अलग हो जाता है ना, तो उसका जीवन एक इतना खराब, पर मसीह में होकर भी अगर प्रभु को छोड़ करके सांसारिक जीवन जीता है ना, तो उसका जिंदगी बहुत मने खराब रहता है। और पहले से भी क्या खराब हो जाता है। इसीलिए हम लोग अगर प्रभु में आए हैं, प्रभु में हम लोग विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते थे, यीशु ने जो मैंने आज्ञा दिया है कि लोगों से प्रेम करो, यीशु मसीह ध्यान सुने, यीशु मसीह ने मैंने पापियों से प्रेम किया लेकिन पाप से नफरत किया। इसका मतलब हम भी डरू पिएंगे, वो गलत बात है। परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया, मैंने पापी कौन लोग हैं? आप और हम लोग हैं। पाप क्या है? अनिया, दारू, झगड़ा, ईर्ष्या, विरोध, बहुत कुछ, कत्ल। तो वो सब पसंद नहीं करता है। तो हम लोग भी जो मसीह में है ना, तो मैंने पापियों से तो प्रेम करना है लेकिन पाप से प्रेम नहीं करना है। जिस दिन इंसान मैंने पाप से प्रेम करना शुरू हुआ ना, तो उसी दिन से उसका जिंदगी ऐसा खराब हुआ कि हम लोग बताने पाएंगे। आमीन। तो हम लोग क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। और जो और कहां मैंने कहां पर रहता है? जंगल में, पहाड़ पर, हम लोग के अंदर में। तो जब हम लोग के अंदर में रहता है, हमारे साथ सत्संग रहता है, तो वो जैसा बोलेगा वैसा चलना है। उसने कहा कि पाप नहीं करो तो नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है तो नहीं करना है, आपके विरोध जो भी बोलेगा एक कान से सुन लेना, यहां से निकाल देना। जिस दिन आप आपके बैरों के लिए आपने प्रार्थना करना शुरू किया ना, उसी दिन से आपका जीवन में खुशी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जीवन में उसके प्रति नफरत को तूने हटा दिया, आपके अंदर में प्रेम जग है, तो गुस्सा किस बात का? यदि आप उसको क्षमा नहीं करेंगे तो आपका जीवन में शांति नहीं रहे। इसीलिए उस गुस्सा को हटाना पड़ेगा।
जो इंसान अगर क्षमा नहीं करता है ना, उस इंसान के जीवन में शांति नहीं है। उसको खोलो, उसको खोलो, देखो इधर इधर। तो हम लोग मसीह में आए हैं तो हम लोग प्रेम से जाना है। हम लोग क्या गाते हैं, मां से जीवन सोना लग गया है, रूपा लग गया, इधर तो झगड़ा कर पैसा हो गया। हालेलुया, इसीलिए हमारे जीवन में हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग इंसान हैं, कभी कभी मुंह से निकल ही जाता है, करिए चाहे कि मनो अनुभव तो किचा मुझसे, इसीलिए कुछ भी लबर लबर बोल देता है। तो हम लोग उसको माइंड में नहीं बैठा रहा, और जिस दिन से हम लोग माइंड से हटाएंगे ना, तो हम लोग के जीवन में खुशी आएगा, खुशी आ जाएगा। अगर उसी का टेंशन ना हो तो जिंदगी में ना खाओगे वो भी ढंग से नहीं पचेगा। इसीलिए नफरत कर, ये यीशु मसीह ने नफरत करना नहीं सिखाया, मसीह यीशु ने प्रेम करना सिखाया। तो इस बात के लिए इसलिए हम लोग मसीह का जीवन, और हम लोग माने मसीह का माने मंदिर है, तो हम लोग जैसा जैसा वो है वैसा वैसा हम लोग को बनना है। हालेलुया, सभी को देखिए इधर। तो हम फिर से पूछेंगे, हालांकि विषय बहुत लंबा है लेकिन हम लोग शॉर्ट में सीख रहे हैं कि परमेश्वर का मंदिर कौन है। हम लोग भी सुनेगा तब ना जी, जो से बोलो हम लोग, बोलो जो ठीक है। तो हम लोग हैं, तो अगर परमेश्वर का मंदिर हम लोग हैं तो डीजे बोलो बोलो तुम बोलो, डीजे नहीं नचना है, डीजे गाना नहीं सुनना है, फिल्म नहीं देखना है, और क्राइम पेट्रोल नहीं देखना है, सीरियल नहीं देखना है, किसी का चोरी नहीं करना है, और थप्पड़ के बदले थप्पड़ देना है। हाँ समझ रहे थे, नहीं दे देना है, ठीक है। मसीह यीशु ने हम लोगों को नफरत का जीवन नहीं दिया है, प्रेम का जीवन दिया है। हालेलुया, तो सुनिए, 1 2 3 4 बच्चा लोग सुनो, इधर सुनो, माँ बाप का बात को तुम बोलो, माँ बाप का वहां बात को नहीं मानना है। सुनो इधर, जिस दिन तुम लोग माता पिता का बात को नहीं मानोगे ना, एक दिन जब तुम बीबी लाओगे ना, उस टाइम पछताओगे। इसीलिए बच्चे लोगों को माँ और बाप का आज्ञा को मानना है, वो जो बोलेगा उसको करना है। सुबह उठो जल्दी बोलेगा तो हम लोग को उठना है और तैयार होकर के स्कूल बिल्कुल जाना है, आधा रास्ता से वापस नहीं लौटना है। हालेलुया, इसीलिए हम लोग अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे इस वक्त, इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी है, कल से स्कूल जाना है। नेक्स्ट सप्ताह का एक टूट लेके आगे छाड़े, ठीक है। अब पूरे पूरे लंबा सफर कब सीखो ना, ते वो सीखो जना कि अब शॉर्ट इतन जना जे परमेश्वर का या मंदिर ओके के अब ओके, ठीक है।